आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सैमसंग गैलेक्सी A23 5G। और भाई साहब, आप इसकी डिजाइनिंग देख पा रहे होंगे, काफी ज्यादा तगड़ी देखने को मिल जाती है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है जितनी अच्छी इसकी डिजाइनिंग है, उससे कई गुना ज्यादा इसके अंदर आपको हिडन फीचर्स मिलते हैं, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। आपने ये मोबाइल फोन खरीदा है या फिर खरीदने की सोच भी रहे हो ना, तो यार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि दोस्तों ये जो मैं हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ, इससे आपका जो मोबाइल का चलाने का तरीका है पूरा चेंज हो जाएगा। आप काफी अच्छे से मोबाइल को चला पाओगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसे करूंगा तो ये देखिए, ऊपर जो नोटिफिकेशन बार है वो आ चुका है। वैसे करूंगा तो नोटिफिकेशन बार वापस चला जाएगा। तो दोस्तों, अपने फिंगर से यहाँ पर आप ये देखिए पूरा कंट्रोल कर सकते हो नोटिफिकेशन बार को। तो यार ये कैसे कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर, इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। और जैसे सेटिंग्स के अंदर जाओगे, आपको यहाँ पर मिल जाएगा एडवांस्ड फीचर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और ये देखिए यहाँ पे मोशन एंड गेस्टर्स के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों, मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ जो कि आपके बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे लिफ्ट टू वेग इसको ऑन कर लेना है, डबल टैप टू स्क्रीन इसको ऑन कर लेना है, और यहाँ पे कीप स्क्रीन वाइन वाइल। दोस्तों इनका सबका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। जैसे कि लिफ्ट टू वेग का मतलब ये है, मैंने मोबाइल को ऐसे रखा, ठीक है ना, कुछ नहीं करना। अब आपको सिंपली मोबाइल को ऐसे उठाना है, मोबाइल को उठाया और स्क्रीन ऑन हो चुकी है, हमने कोई भी बटन प्रेस नहीं किया, बस मोबाइल को उठाते स्क्रीन ऑन हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे डबल टैप टू टर्न, और डबल टैप, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे कि हम डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, और डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों, आपको पावर बटन को बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डबल टैप करते स्क्रीन ऑफ ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे इनको भी आप जरूर ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर मैं और चीजें आपको दिखाऊं, जैसे कि ये देखिए वापस वहीं पे जाना है, ये देखिए। अब यहाँ पे कीप स्क्रीन ऑन वाइल व्यूइंग, यानी कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब तक आप स्क्रीन के ऊपर देखते रहोगे, तब तक आपकी जो स्क्रीन है ना, बंद नहीं होगी। आपको बताऊंगा, कभी कभी हम कुछ पढ़ते रहते हैं तो स्क्रीन बंद हो जाती है 1 मिनट या जो भी आपने टाइम कर रखा है। पर दोस्तों इसके अंदर आपको करने से आपकी जो स्क्रीन है वो बंद नहीं होगी, जब तक आप स्क्रीन की तरफ देखते रहोगे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे फिंगर सेंसर गेस्चर्स, अब मैंने जो यहाँ पे कहा, देखिए ये आपके ऑफ होगा, इसको ऑन कर लेना है। अब यहाँ पे इसको ऑन करने से क्या होगा दोस्तों, आप जैसे जैसे करोगे नोटिफिकेशन बार आ जाएगा। ये देखिए काफी ज्यादा यूनिक लगता है दोस्तों, यहाँ पे किसी को भी दिखाओगे तो काफी ज्यादा मजा आएगा। तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। तो यार दोस्तों, ये आपको अच्छा लगा ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। तो जैसे कि आपकी आवाज को आपने पूरा बढ़ा रखा है, ठीक है ना, ये देखिए आवाज मैंने फुल कर रखा है, फिर भी अगर आपको लगता है कि यार आवाज थोड़ी कम है, मुझे आवाज थोड़ी और ज्यादा चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ, जिसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। और जैसे ही आप सेटिंग्स के अंदर जाओगे, यहाँ पे देखिए साउंड्स एंड वाइब्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आपको सिस्टम साउंड का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आपकी जो सिस्टम साउंड है उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। ये देखिए, ये देखिए आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे ही बैक जाओगे तो यहाँ पे देखिए, बैक जाने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह का, और कॉल वाइब्रेशन, अब यहाँ पे देखिए कॉल के ऊपर आपके जो मतलब वाइब्रेट होता है, कितना वाइब्रेट होना चाहिए, यहाँ पे मुझे फील हो रहा है हाथ के अंदर, ये देखिए मीडियम वाइब्रेट करना है, बेसिक कॉल, हाइड ब्रेट मतलब थोड़ा सा या वाइब्रेट होगा। यहाँ पे अपने सेटिंग्स के अंदर जाकर आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे देखिए वाइब्रेशन इंटेंसिटी, मतलब जैसे कि आपके जो वाइब्रेट होता है वो कितना वाइब्रेट यहाँ पे कराना है, कितना नहीं कराना है, देखिए आप अपनी मर्जी से यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हो, जितना भी आप वाइब्रेट अपने मोबाइल को कराना चाहते हो, जब भी आप किसी चीज वगैरह पे टच करते हो या कैसे भी आप वाइब्रेट कराना चाहते हो यहाँ पे करा सकते हो। तो दोस्तों जो मैं बताने वाला हूँ, उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, एडेप्ट साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नो बूस्ट यहाँ पे ये है, तो आपको क्या करना है 60 रोल कर लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों, मोबाइल को लगेगा कि आप 60 साल के ऊपर हो, तो वो जो आपको आवाज देगा ना, काफी ज्यादा लाउड देगा, चाहे कॉल की हो, चाहे आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो या फिर आप मूवी देख रहे हो, आपको जो लाउड आएगी ना आवाज, बहुत ही तेज आएगी। तो अगर आपको लगता है आपके मोबाइल की आवाज कम है, तो यार इसको आप यहाँ पे करके 60 रोल करके आप काफी ज्यादा आवाज को बढ़ा सकते हो। तो यार ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो यार इसके लिए वीडियो को लाइक तो बनता ही है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे कॉल से रिलेटेड कुछ बता देता हूँ, काफी सारी यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ, जैसे ऑल टू कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह, और भी काफी अच्छी अच्छी चीजें बता देता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो सेटिंग्स का ऑप्शन है इसके ऊपर जाना है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे ही देख सकते हो, ऊपर नॉर्मल है जो ब्लॉक नंबर्स वगैरह है, यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड कॉल्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। शो नोटिफिकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग, यानी कि जब भी आप रिकॉर्डिंग करते हो ना, तो ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई आपने रिकॉर्डिंग कर ली है। तो आप चाहते हो कि यार मुझे वो ऑप्शन बंद करना है, रिकॉर्डिंग मतलब ऊपर यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए, रिकॉर्डिंग तो होनी चाहिए पर यहाँ पे ऊपर नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। और ऑटो कॉल रिकॉर्ड, यानी कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाए, तो यहाँ पे ऑटो कर दीजिए, देखिए
और यहां पे इसके ऊपर जब क्लिक करते हो तो यहां पे देखिए ऑल कॉल आपको रिकॉर्ड करनी है या फिर कॉल विद अनसेव नंबर, जो आपके पास सेव नहीं है ना नंबर उनकी ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगी और की बाकी की जो है वो ऑटोमेटिक नहीं होगी। कॉल विद स्पेसिफिक नंबर यानी कि कोई अलग नंबर आता है तो आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी कॉल और ऐसे कॉल नहीं होगी, तो वो अपनी मर्जी से कर सकते हो, इस पे करो जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। और दोस्तों जैसे ही बैग जाओगे तो यहाँ पे जो रिकॉर्डेड कॉल्स का ऑप्शन है यानी कि जो आपने रिकॉर्डिंग की है वो कहाँ पर है, तो वो भी यहाँ पर आप यहाँ पे आके देख सकते हो जो भी आपने रिकॉर्डिंग की है। तो यार दोस्तों ये भी काफी अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है। और दोस्तों जैसे ही बैग जाते हो तो यहाँ पे कॉल बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि दोस्तों बैकग्राउंड जैसे कि आपके पास कोई भी कॉल आती है ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके जो बैकग्राउंड है ना आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, किसी का फोटो लगा सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर जाकर वीडियो भी लगा सकते हैं दोस्तों, जैसे कि कोई भी वीडियो लगानी है आपको, ये देखिए यहाँ पे एक वीडियो भी लगा सकते हो, जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी तो आपकी जो वीडियो है वो चलती रहेगी। तो दोस्तों ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों जैसे नीचे जाओगे ये देखिए तो यहाँ पे कॉल डिस्प्ले वाइल यूजिंग एप्स यानी कि आप कोई भी जैसे कि ऐप यूज कर रहे हो ठीक है ना, तभी आपके कोई कॉल आ जाता है तो आपके कुछ इस तरह से शो होता है, ये देख सकते हो। और दोस्तों आप चाहते हो कि मेरे फुल स्क्रीन के अंदर आ जाना चाहिए कॉल जब भी आपके पास कोई कॉल आए, आप कोई ऐप देख रहे हो तब, या फिर आप ऊपर यहाँ पे छोटा सा बस आ जाए आपकी पूरी स्क्रीन के अंदर ना आए तो मिनी पॉपअप भी आप कर सकते हो। तो अपनी मर्जी से इन चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। जो छोटी छोटी चीज़ें ना ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है। और दोस्तों जैसे ही बैग जाओगे तो यहाँ पे देखिए अदर कॉल सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं जैसे कि हाइड कॉन्टेक्ट्स विदाउट नंबर्स यानी कि आपका जो कॉन्टेक्ट है वो जो नंबर शो नहीं होना चाहिए वो यहाँ पे वो हाइड हो जाएगा, और शो कॉलर इन्फॉर्मेशन यानी कि जो जिसका भी कॉल आ रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दिखनी चाहिए यहाँ पे ऊपर, वो तो वो भी यहाँ पे कर सकते हो। शो कॉन्टेक्ट्स नंबर्स इन कॉल्स यानी कि जो कॉन्टेक्ट के जिसका भी फोन आ रहा है उसके नंबर्स भी यहाँ पे शो होंगे, तो आप चाहते हो कि उसके नंबर शो ना हो तो आप इसको बंद कर दीजिए, अब नंबर शो नहीं होंगे, बस यहाँ पर वो क्या है ना मतलब उसका नाम नाम शो हो जाएगा, नंबर शो नहीं होंगे, तो अपनी मर्जी से कर सकते हो। यहाँ पे और भी काफी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आपके यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशंस आए हुए रहते हैं ठीक है ना, व्हाट्सअप फेसबुक कहीं से भी इंस्टाग्राम वगैरह से, तो आप उनको क्या करते हो क्लियर कर देते हो, तो वो क्लियर हो जाते हैं। पर दोस्तों आप चाहते हो कि यार वो क्लियर तो हो जाते हैं पर मैं एक महीने के बाद भी जाकर देखूं कि यार मेरे पास किसका मैसेज आया था, तो आपके पास वो मैसेज मौजूद रहना चाहिए, पूरी की पूरी हिस्ट्री मौजूद रहनी चाहिए कि किसका मैसेज कब आया था। तो दोस्तों ये सब कुछ आपके पास मौजूद रहता है, बस इसके लिए आपको एक सेटिंग को ऑन करना रहता है, जैसे कि आपको इसके लिए जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको और भी काफी सारी चीजें मिल जाती है जैसे कि लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, मतलब आपके जो लॉक स्क्रीन है उसके ऊपर लॉक लगा रखा है फिर भी नोटिफिकेशन आ जाता है तो कोई भी देख लेता है, तो आप चाहते हो कि हाइड करना है तो हाइड कॉन्टेंट कर दीजिए ताकि आप मतलब मैसेज का पता चल जाएगा कि व्हाट्सएप से मैसेज आए पर किसने क्या मैसेज किया है वो यहाँ पे लॉक स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होगा, इसको आप ऑन कर लीजिए, तो ये आप ऑन या ऑफ रख सकते हो। और दोस्तों जैसे ही बैग जाओगे तो यहाँ पे एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कि बैटरी के परसेंटेज आपको पता होगा शो हो रहे हैं, आप चाहते हो मुझे शो नहीं कराने तो यहाँ पे देखिए बंद कर सकते हो, चालू कर सकते हो, वो अपनी मर्जी से कर सकते हो। पर जो मैं बताने वाला हूँ वो देखिए नोटिफिकेशन हिस्ट्री, यहाँ पर इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसको ऑन कर लेना है। अब जैसे मैंने इसको ऑन किया तो अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, ये मैंने क्लियर किया ठीक है ना, अब यहाँ पे जैसे हम बैग जाके वापस यहाँ पे आएंगे ये देखिए जो मैंने क्लियर किया था वो यहाँ पर मौजूद हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप कुछ भी क्लियर करोगे तो वो यहाँ पर मौजूद हो जाएगा, और दोस्तों आप एक साल के बाद भी आकर देखोगे ना कि यार किसका मैसेज कितने बजे कब आया था तो भी पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। तो यार एक बार जरूर आप इसको ट्राई कर सकते हो, तो यार दोस्तों इसके लिए वीडियो को लाइक तो बनता ही है। चलिए दोस्तों मैं आपको मैं एक यूजफुल चीज और बताता हूँ, जैसे कि आप इधर जाते हो तो ये देखिए गूगल ओपन हो जाता है, और आपके पास अगर इंटरनेट है तो यहाँ पे कुछ भी तस्वीरें वगैरह आ जाती है, तो यार आप चाहते हो कि यार मैं कभी फैमिली वगैरह के साथ बैठा रहता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी तस्वीरें आ जाती है, तो आप इसको बंद करना चाहते हो कि यार ये बंद कैसे होगा, मुझे कुछ भी सर्च करना होगा तो मैं गूगल से यहाँ से कर लूंगा, मुझे वहां की जरूरत नहीं है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर से टैप करके रखना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है, और यहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पे गूगल डिस्कवरी इसको बंद कर लीजिए। अब मैंने बंद कर लिया, अब यहाँ पे देखिए गूगल नहीं आएगा, आप कितना भी इधर कर लीजिए गूगल का ऑप्शन नहीं आएगा, तो दोस्तों आप इसको बंद भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूँ, जैसे कि आपका कोई दोस्त आपसे मोबाइल मांग लेता है कि भाई मुझे सिर्फ कॉल करनी है, पर आपको शक है कि यार कॉल के बोल के कोई मेरा दूसरा ऐप ना छेड़ ले, मेरे यहाँ पे प्राइवेसी लीक ना कर दे, कोई मेरी फोटो वीडियो ना देख ले, या फिर अपने बच्चों को आप मोबाइल देते हो कि बच्चे बोलते हैं यूट्यूब पर पढ़ाई करनी है पर आपको शक है कि यार ये और कुछ ना चीजें ना देख ले, तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर,
और यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाता है, सबसे नीचे जाना है। अब यहाँ पे देखिए अदर, यहाँ पे जो सिक्योरिटी सेटिंग्स है इसके ऊपर जाना है, और यहाँ पर भी सबसे नीचे जाना है। और ये देखिए पिन विंडोज, इसको मैंने ऑन कर लिया है, ये ठीक है ना, इसको ऑन कर लेना है। अब जैसे कि किसी ने आपको कॉल के लिए मांगा है तो इसको यहाँ पे ओपन करना है, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पिन दिस ऐप, नीचे नीचे जो दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ओके कर देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये पिन हो चुका है दोस्तों, अब आप इसको कितना भी मतलब चला सकते हो, चलाना चाहो, पर बैक जाना चाहोगे नहीं जा सकते। देखिए किसी भी बटन को प्रेस कर लीजिए, बैक नहीं जा सकते। अब अगर आप बैक जाना ही चाहते हो तो जो बैक बटन और जो रिसेंट एप्स बटन है इन दोनों को ऐसे साथ में प्रेस करोगे तो ऐप अनपिन हो जाएगा, अब आप इजीली बैक जा सकते हो। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसे तो कोई भी जो समझदार होगा थोड़ा बहुत वो खुद ही अनपिन कर लेगा, पर दोस्तों अगर आपने लॉक लगा रखा है मोबाइल की या फिर लॉक लगाना चाहते हो तो दोस्तों जब तक आप वो लॉक नहीं खोलोगे जो आपने लगाया है तब तक आप इस ऐप को अनपिन नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये भी फ्यूचर के अंदर आपके बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहते हो कि मुझे एक साथ में दो एप्स को यूज करना है, जैसे कि आप चाहते हो मुझे साथ में व्हाट्सएप पे यहाँ पे चैटिंग करनी है, साथ में इंस्टा पर भी चैटिंग करनी है, एक साथ में दो दो को बनाना है, तो यार कैसे बना सकते हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कॉल, मुझे एक बार कॉल के लिए ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे थ्री डॉट पे जाना है, अब यहाँ पे वापस इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है, और ये देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन। अब जैसे कि एक तो मैंने ये ऐप ओपन कर लिया, एक आप जैसे कि कोई भी ऐप, जैसे मैंने सेटिंग ओपन कर लिया, देखिए आप दोनों को एक साथ में यहाँ पे चला सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे ऊपर कॉल भी चल रहा है और नीचे यहाँ पर ये भी चल रहा है, तो एक साथ में आप दो एप्स को चला सकते हो। इनको बड़ा छोटा करना चाहो तो यहाँ पे बड़ा छोटा भी कर सकते हो, देखिए मैंने इसको बड़ा कर लिया, इसको छोटा कर लिया, ये देखिए अपनी मर्जी से इनको कर सकते हो, और ऊपर नीचे लेके जाना चाहते हो तो ये देखिए ऊपर नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, तो वो अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो। तो यार दोस्तों ये भी काफी अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है, एक साथ में आप दो एप्स को चला सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहते हो कि यार मैंने मोबाइल में पूरे दिन में कितने घंटे तक मोबाइल को यूज किया है, कौन कौन से ऐप को ज्यादा यूज किया है, पूरी की पूरी हिस्ट्री आप देखना चाहते हो अपने मोबाइल की, तो कैसे देख सकते हो दोस्तों। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, जैसे कि मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, अब यहाँ पे नीचे जाना है और ये देखिए डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंशियल कंट्रोल। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आज 23 मिनट के लिए मोबाइल को यूज किया है तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और मैंने क्या क्या यूज किया, सेटिंग यूज किया, कैमरा यूज किया है, तो आप अपने मोबाइल के अंदर जाकर जरूर देखना कि आपने पूरे दिन में मोबाइल को कितने घंटे तक यूज किया है। और दो जो मेरे पास मैसेज है वो नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे आए हैं, और 9 बार मैंने मोबाइल को अनलॉक किया है, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही कम मतलब मैंने किया क्योंकि मोबाइल अभी नया नया है। तो आप अपने मोबाइल के अंदर जाकर जरूर देखिए कि आपका जो कीमती समय है आप कहाँ पर बिता रहे हो। तो दोस्तों यार वीडियो काफी लंबी हो चुकी है इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। दोस्तों अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और दोस्तों यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको पार्ट 2 भी मिले इसका तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इसका एक अलग से पार्ट और बना दूंगा। तो दोस्तों यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप ऐसी यूजफुल वीडियोस मिस ना कर पाओ। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।